गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आदाब, प्रणाम, सलाम और नमस्कार। मैं खैरियत से हूँ, अच्छी भली हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी सर सब खैरियत से होंगे, अपने अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो रिपोर्टिंग के बारे में है। ये जो बड़े वाले प्लांट है ना, ये भी मैंने कल रिपोर्ट की है। इसमें से जो निकले थे ना, वहाँ भी मेरे ये लगे हुए थे कोचिया। वो कोचिया का बड़ा प्लांट एक ही था, ये रखा मैंने। ये देखें, ये एक ही प्लांट था। ये देखें, इसको मैंने निकाल दिया। रूट बॉल इतना बड़ा था इसका, इसको मैंने यहाँ से उखाड़ दिया और वहाँ पे मैंने एक अपना जो प्लांट है वो लगा दिया। ये कल रिपोर्टिंग करी थी मैंने, तो इसको मैं शेड में रखा था। तो ये इसकी रिपोर्टिंग होगी। और ये इसमें लगा था इतने छोटे में, और इसके ना यहाँ ढक्कन पे नीचे इतनी सारी जड़ें होगी, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इसके ना नीचे ढक्कन है, ये उल्टा करके मैंने ऐसे इसमें बो रखा था। ये प्लांट की कटिंग इतना बड़ा हो गया ये, तो इसके ना ढक्कन में ये ऐसे गोल गोल जड़ें बन गई, इतनी सारी गोल गोल। ये मैंने निकाल दी और काट के इसकी और भी जड़ प्रून की है मैंने। इसकी 50% जो जड़ें हैं मैंने प्रून करके इसको दोबारा से रिपोर्ट किया इस टब में। तो और इसमें लगा था ये वाला, ये छोटा वाला, इतना बड़ा प्लांट। इसकी भी मैंने कटिंग लगाई थी, नीचे से दिखाती हूँ। ये देख, एक कटिंग थी इसकी, कटिंग का प्लांट है ये, लॉलीपॉप फ्लावर का प्लांट है। इसको भी मैंने कल रिपोर्ट किया है। सो फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्ट करेंगे जो पिछली मॉनसून में मैंने कनेर के प्लांट ग्रो किए थे कटिंग से। ये देखें, एक मेरी ये कटिंग थी, बहुत बार दिखाई है आपको, ये है छोटी सी कटिंग। तो इसको हम इसमें लगाएंगे, चाहे तो इसमें लगा दूंगी, इसमें ये पॉट मेरे पास पड़ा था गर्मियों के फ्लावर का, इसको इसमें लगाएंगे। ये देखें, इसके जो ड्रेनेज है मैंने अच्छे से खोल दिए। और ये बड़े वाला जो, उसको इसमें लगाएंगे, ये पॉट फ्री है इसमें लगाएंगे। इसके भी मैंने ड्रेनेज अच्छे से खोल दिया है। इसमें थोड़े सूखे पत्ते डालूंगी और मिट्टी डालूंगी, और ये वर्मी कंपोस्ट है ये डालूंगी, और ये फंगीसाइड। मेरे पास नीम खली नहीं है, नीम खली हो तो फंगीसाइड चाहे मत डालो। सो फ्रेंड्स, आप तैयारी करते हैं, झट से पट से इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। आइए फ्रेंड्स, मेरे वीडियो में करते हैं रिपोर्टिंग। हाँ जी फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अगेन। हमारा ना दो तीन दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई, पता क्यों, हमारे जहाँ ना पता नहीं समर्सिबल लग रहा, किसी के पता नहीं क्या हो रहा, तो उससे बहुत आवाज़ आती है। प्लीज़ आप भी आ रही हो तो इग्नोर करिएगा, अभी बहुत समय हो गया, वीडियो की अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। पर मेरे को आज वीडियो बनानी है, तो मैं रोज़ रिपोर्ट करती जा रही हूँ, पर मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जैसे आम हमेशा की तरह मैंने ये मिट्टी ले ली है, गार्डन सॉइल है मेरे पास, और इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे ये राख, मेरे पास राख है, ये लिफाफे में रखी हुई है, थोड़ी सी राख डालेंगे। ये देखें, थोड़ी सी मैंने राख डाल दी है इसमें, और थोड़ा सा इसमें ये जो होता है ना चूना कली, इससे कैल्शियम भी मिलता है और कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता है। ये थोड़ी सी मैंने ये डाल दी है, ज़्यादा नहीं डालनी, बस थोड़ी डालनी है ये, तो और वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। ये मेरे पास है वर्मी कंपोस्ट, थोड़ी सी ये डाल देंगे, दो तीन मुट्ठी, थोड़े छोटी पॉट है हमारी, छोटी प्लांट है। ये वर्मी कंपोस्ट मैंने डाल दी है, इन सबको मिक्स कर लेते हैं, ऐसे मिक्स कर लेते हैं। वो मैंने मिक्स कर ली है, और वो जो प्लांट मेरा ये था ना बड़े वाला, देखे इसने इसकी कितनी बड़ी बड़ी रूट आ रखी है। ये देखे, इसका रूट बॉल इतना बड़ा हो रखा, पिछली मॉनसून में मैंने ये किया था, वो इसका जो प्लांटर था ना वो तोड़ कर निकालना पड़ा, इतनी रूट इसमें फंसी पड़ी थी, तो मैंने वो तोड़ दिया। इसकी मैं और नहीं हटाऊंगी जड़े, क्योंकि बड़ा पॉट मैंने दे दी है तो अच्छे से बढ़ेगा ये। तो इसको इसमें लगाएंगे, बड़े में इसकी जो भी मिट्टी है इसमें डाल लेती हूँ मैं, बहुत ही ईजी है, कोई भी लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है जो आप
रिपोर्टिंग करते हैं। ये इतनी मिट्टी डाल ली मैंने, इसको ऐसे कर लें एयर पॉकेट्स ना रहें, और प्लांट को ऐसे इसमें बीच में रख देंगे, ऐसे 2 इंच वहाँ से ऊपर से ऊंचा रखना है। तो इसकी साइड साइड में सारी मिट्टी डाल देंगे हमको, ये देखें सारी साइड में मिट्टी बन रही है इसकी। और इसमें थोड़ा सा ये फंगीसाइड भी डाल देना जड़ों के नीचे, यहाँ पे जड़ों के नीचे नीचे हम थोड़ा थोड़ा फंगीसाइड डाल देती ताकि इसको कीड़ा ना लगे। इसके जड़ों में मैंने डाल दिए और इसको साइडों से हम सारा भर देंगे ऐसे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा ना मैं लेट हो गई, पहले मैं लाइव करती रही तो इसीलिए मैं लेट हो गई, तो मेरा ये हो गया। ये देखें अच्छे से लग गया मेरा, ये इसको साइड रख देते हैं और इसमें भी मिट्टी डाल देते हैं। ये देखें इसमें मैंने पत्ते वत्ते डाल रखे हैं, ये देखें, और इसमें हम मिट्टी डाल देते हैं फट से। ये देखें इसमें ज़्यादा डलेगी मिट्टी क्योंकि वो प्लांट छोटा है। ये देखें ये वाला है प्लांट, ये देखें इसको हम निकाल लेंगे इससे तोड़ कर, ऐसे इसको तोड़ देंगे। जो दही का कप है जिसमें मैंने कटिंग लगाई थी, इसकी भी आपको जड़ें दिखाती हूँ। ये देखें इसका भी रूट बाल बन रखा ऐसा, इसमें एक ना मैं फैब्रिक लगाया था नीचे, वो ये है, ये हम निकाल देते हैं। ये देखें इसको निकाल दिया, और ये हमारा प्लांट है, इसको हम ऐसे बीच में रख के साइडों साइडों में मिट्टी डाल देंगे। इसमें भी थोड़ा फंगीसाइड डाल देंगे, ये देखें ये मेरे पास है फंगीसाइड, ये है, इसको साइड साइड में डाल देते हैं ताकि कोई भी कीड़ा कोई भी चीज़ इसको सियोंक वगैरह ना लगे। हमारे जहाँ होती तो नहीं, पर कई बार पता भी नहीं होता, सियोंक सूंक लग जाए दीमक वगैरह। तो इसमें साइडों में सारे मिट्टी डाल देंगे, इसको दबा दो साइडों से मिट्टी भी दबा दो। ये देखिए 2 मेरे कल हो गए रिपोर्ट और 2 मेरे आज हो गए। बारिश को उड़ीकते उड़ीकते तो ये दिन आ गया, पता नहीं कब बारिश पड़ेगी। हमारे यहाँ लुधियाना में तो कभी बारिश नहीं आई, 2 दिन आई है थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा गर्मी करके चली गई। हमारे यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, तो क्या कहते हैं मजबूरी में हमको ना ये करने पड़े रिपोर्ट। ये दोनों मेरे पेड़ रिपोर्ट हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो ना तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।